प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग योर टास्क। हमेशा आपके दिमाग में यही चीज रहती है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जिसे उर्दू के आम अल्फाज में ताखीर का नाम दिया गया है। दिस साइड एमल आलम खटक एंड अ स्टूडेंट मेंटोर, और मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि स्टूडेंट के सारे प्रॉब्लम्स को जितनी आसानी से हो सके उनको दूर किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपके इस प्रॉब्लम को यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपकी स्टडी रूटीन को अच्छे से और प्रोडक्टिव बनाएगी। सो स्ट्रेटजी नंबर 1 हमारे पास आता है ब्रेक इट डाउन। आपको एक टास्क दिया जाता है जो आपको कंबाइन दिया जाता है। फर्स्ट करिए आपको मैथ्स का पूरी बुक एक एग्जाम के लिए कंप्लीट करनी, या मुझे एक रिसर्च पेपर जो एक महीने में लिखा जाता है वो कंप्लीट करना है। जो अगर आप टास्क को कंप्लीटली अपने दिमाग पे सवार करेंगे तो वो आपसे कभी नहीं होगा, इसलिए उसको ब्रेक इट डाउन करना है। आपको पूरी बुक को चैप्टर में डिवाइड करना है, चैप्टर को फिर टॉपिक्स में डिवाइड करना है, और टॉपिक्स का आपने प्रॉपर रखना है कि टॉपिक 2 घंटों में करना है। इसी तरह डिवाइड करके चलना है। अगर मैं रिसर्च पेपर लिखूंगा तो मैं उसको इंट्रो में डिवाइड करूंगा, उसके डिस्कशन को अलग करूंगा, लिटरेचर रिव्यू को अलग करूंगा, और उसको स्पेसिफिकली दिन पे डिवाइड करता जाऊंगा। तो छोटे छोटे टास्क मेरे पास आ जाएंगे और जिसको मैं आसानी से कंप्लीट कर पाऊंगा। एट दी एंड जब ये हर एक टास्क मैं कंप्लीट करूंगा तो मेरा फाइनली वो पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आपका अगर पूरी बुक है तो अगर आप उसको चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, उसको प्रॉपर टाइम टेबल के साथ लेके चलेंगे तो एट दी एंड आपका वो पूरा बुक कवर अप हो जाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 2 है सेट डेडलाइंस एंड स्टिक टू इट। इससे मेरी मुराद ये है कि आपको एक प्रॉपर डेडलाइन चाहिए और वो भी रियलिस्टिक सी। ऐसा नहीं है कि आपको एक चैप्टर, आपको पता है कि रियलिटी है कि ये 2 घंटों में नहीं होता और आप उसके लिए डेडलाइन रखो कि मुझे 2 घंटों में करना है, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है और आपसे इवन आपको ये उल्टा टेंशन देगी। तो रियलिस्टिक डेडलाइंस रखनी है। एक टास्क है, आपने देखा कि ये 6 घंटों में हो सकता है, 7 घंटों में हो सकता है, उसकी डेडलाइन आपने सेट की, फिर उसके साथ स्टिक रहना है। उस डेडलाइन की वजह से एक अर्जेंसी आपके माइंड में क्रिएट होनी है कि मेरे पास ये डेडलाइन है और मुझे इसको इसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। तो डेडलाइन हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार हफ्ते में कर लूंगा, 2 दिन में कर लूंगा, 3 दिन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक प्रॉपर टाइम सेट करना होता है कि ये टास्क कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, 6 घंटों में हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, हाफ डे में हो सकता है, तो उसको स्टिक करके उसके साथ आपने रहना है, उसी डेडलाइन में उसको फिर कंप्लीट करना है। तो स्ट्रेटजी नंबर 3 जो है इसको प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए उसके लिए है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। चाहे सोशल मीडिया हो उससे लेकर नेटफ्लिक्स हो, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह इवन आपके घर में डिस्ट्रैक्शन है, आपके बहन भाई कभी शोर बजा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो इसको भी ओवरकम करना है। जो आपकी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है पहले आपने फाउंड आउट करनी कि आपकी मूवीज पे ज़्यादा टाइम लगता है या इधर उधर घर पर आपका टाइम लग जाता है या स्क्रोलिंग पे लगता है, उसको फिर आपने मिनिमाइज करना है, स्टेप्स लेने हैं उसको कम करना है, उसको एलिमिनेट करना है। हो सके तो अच्छी बात है, जितना जल्दी आप उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो ज्यादा अच्छी बात है। उसके लिए आप स्टेप्स ले सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स पे कर दो तो मोबाइल टर्न ऑफ कर सकते हो, आप वेबसाइट ब्लॉकर्स लगा सकते हो, और अगर आपके घर में शोर होते हैं तो आप एक स्पेसिफिकली क्वाइट प्लेस अपने घर में सजेस्ट कर सकते हो, वहां पे बैठ सकते हो कि ये मेरा स्टडी एरिया है। फिर आपके पेरेंट्स बहन भाइयों को पता होता है कि ये फिक्स स्टडी सुबह से लेकर शाम तक ये बंदा यहाँ पे होता है, इसका स्टडी कॉर्नर है और यहाँ पे हमने इसे डिस्टर्ब नहीं करना, तो उसकी वजह से आपकी ये जो डिस्ट्रैक्शन दूर होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज होगी। अच्छा, जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिवॉर्ड करना है अपने आप को, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको भी समझाता हूँ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट ने एक चैप्टर, आपने ऊपर डेडलाइन सेट की है कि मुझे एक चैप्टर करना है 2 घंटों में, सही है, आपने वो डेडलाइन फिक्स की, अर्जेंसी क्रिएट हुआ, आप बैठ गए, आपने पढ़ा 2 घंटे पढ़ा, आपने चैप्टर भी कवर अप कर लिया। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवॉर्ड खुद को, माइंड को रिफ्रेश नहीं करते, वो कहते हैं अभी चैप्टर हुआ है दूसरे चैप्टर की टेंशन लेने लग जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक चैप्टर के 5-10 मिनट के अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो उसको रिवाइड आप कर सकते हो, जूस पी सकते हो, चाय कॉफ़ी जो आपको अच्छा लगता है, या अगर आपको चाय कॉफ़ी आपने कर लिया, आपने दूसरे चैप्टर किया तो आप फैमिली के साथ हेल्दी डिस्कशन करो, वो भी आपने नहीं करते हो तो आप फनी कोई वीडियो देख लो, सही है, कोई 15-20 मिनट का खैर ड्रामा देख लो, लेकिन वो एट दी एंड जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद करना है, उससे पहले नहीं करना, सही है। तो हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड करना है। अभी फर्स्ट करो मैंने 2 घंटे का किया एक टास्क, एक चैप्टर किया, मैंने खुद को 5-10 मिनट का ब्रेक दिया, उसमें हेल्दी डिस्कशन की, जूस पिया, चाय पी, उसके बाद अगर मैं दूसरा चैप्टर करूँगा तो मैं मोटिवेटेड भी रहूँगा, मेरा माइंड रिफ्रेश होगा, गेन करने के लिए वो इजीली गेन होगा। लेकिन अगर मैं बीच में रिवॉर्ड नहीं करूँगा, एक चैप्टर किया दूसरे की टेंशन लूँगा, दूसरे पे लग गया, तो एट दी एंड उस दूसरे चैप्टर के बीच में ही मैं रुक जाऊँगा, मेरा माइंड बोर हो जाएगा, मुझसे आगे नहीं जाएगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, आपका टाइम वैसे वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा खुद को रिवॉर्ड दिया करें, खुद माइंड को रिफ्रेश किया करें।
ये चार सिंपल स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसको लाजमी आज से ही अपनी स्टडी में अप्लाई करें, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपके सारे प्रॉब्लम, मोस्टली प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। जो आपकी रिटेंशन नहीं होती, याद नहीं रहता, टाइम पे चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, आप इसको सिस्टमेटिक वे में लेके चलो, हर एक चीज़ को अप्लाई करो, तो इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी। और अगर इंप्रूवमेंट हो या और भी आपका कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप नीचे कमेंट करो, फ्यूचर में किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, कौन से प्रॉब्लम्स हैं आगे मुझे कमेंट करो, उस पर मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की वीडियो है ये किसी स्टूडेंट का पिछले वीडियो में कमेंट आया था, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आप सबके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस।